रुकैया सखावत हुसैन, जन्म सन 1880 रंगपुर में, जो अब बांग्लादेश में है। उनके बारे में क्यों जानना चाहिए? लगभग 120 साल पहले रुकैया सखावत हुसैन के लेख ने हंगामा मचा दिया था। स्त्री जातीर ओबनोती लेख में उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर लिखा और उनके विकास के लिए काम भी किया। रुकैया को पढ़ने का शौक था। परिवार के विरोध के बावजूद उनके भाई छिपकर उन्हें पढ़ाया करते थे। उनकी शादी 18 साल की उम्र में अफसर सखावत हुसैन से हुई थी। इस कदम से क्या बदला? रुकैया बेगम ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए मुहिम चलाई और मुसलमान महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया। उन्होंने 1910 में भागलपुर और 1911 में कोलकाता में स्कूल खोला। लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने स्कूल जारी रखा। इसका फायदा मुसलमान लड़कियों को मिला। बांग्लादेश में लड़कियां ये कहती हैं, अगर वो ना होती तो हम ना होते। उन्हें राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे सुधारकों का दर्जा दिया जाता है। सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अब भी कोलकाता में चल रहा है।